बच्चों आपके सामने एक और उदाहरण है, उदाहरण क्रमांक 36। इसमें आपके प्रश्न कुछ थोड़ी सी अलग भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ इसे हम फंक्शन के रूप में देख सकते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, फिर भी इसे हम सीधे सीधे पढ़ लें कि एक पद है पी एक्स, उसको आपको दूसरे पद जी एक्स से भाग देना है और पी एक्स और जी एक्स के मान दिए हुए हैं हमारे सामने कि पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स दिया 4 - 1 और जी एक्स का मान दिया हुआ है 1 - 1। यानी आपके लिए जो भाज्य है वो एक्स दिया 4 - 1 है, एक्स दिया 4 - 1 आपके लिए भाज्य है और x - 1 आपका भाजक है। तो जैसा आप पहले लिखते रहे वैसा लिख लें, भाजक हमारा x = 4 - 1 है, इसे हम लिखें। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि केवल यहाँ पर x = 4 का पद है और चरों के दूसरे पद यहाँ नहीं है, लेकिन हमें उसका जिक्र करना होगा, उसे लिखना होगा, तो हम उनका गुणांक 0 रखते हुए लिख सकते हैं। तो हमें जो नया भाज्य मिलेगा वो इस रूप में होगा x = 4 - 0 - 3 - 0 - 2 - 0 - 1। और ये हमारा पूरा भाज्य हुआ और इसके नीचे है एक लंबी सी लाइन हम खींच दें और एक खड़ी लाइन यहाँ खींचे और यहाँ पर हम अपने भाजक को लिखें, x - 1 हमारा भाजक है। आप देख रहे हैं कि भाजक यदि x - 1 है तो इसका विचलन क्या होगा, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसका विचलन -1 है, इसका परावर्त्य -1 है और यही हमारा संशोधित भाजक भी है। संशोधित भाजक -1, तो हम -1 से यहां पर भाग देंगे और चूंकि यहां पर केवल एक ही पद है इसलिए अंतिम जो पद है उसको हम शेषफल के रूप में अलग कर देंगे। और इस -1 से भाग देने की प्रक्रिया शुरू करने के पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ जितने गुणांक हैं उन सभी गुणांकों को बारी बारी से लिखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 0 है तो हम -0 लिखें, यहाँ भी गुणांक 0 है -0 लिखें और यहाँ पर भी गुणांक 0 है इसे भी हम -0 के रूप में लिखें और शेषफल वाले कॉलम में हमारे सामने -1 बचा हुआ इसे भी हम यहाँ उतार के रख लें। तो आपके पास सारे गुणांक यहाँ पर उपस्थित हैं और भाजक के रूप में भी एक संख्या उपस्थित है। आप जानते हैं कि जो सबसे पहला वाला अंक होता है वो हमारे भागफल का पहला हिस्सा होता है, उसे हम उसके चिन्ह के साथ यहाँ पर लिख लें तो हमें प्राप्त होगा -1। ये हमारे उत्तर का पहला हिस्सा है, भागफल का पहला हिस्सा है और आगे का पद प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। इस -1 का गुणा हम भाजक -1 के साथ करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, उसे हम यहाँ लिखेंगे और -1 के साथ 0 का योग करने पर हमको -1 मिलेगा, उसे हम यहाँ लिख लेंगे। ये हमारे उत्तर का दूसरा हिस्सा होगा। फिर इस -1 की मदद से आगे बढ़ेंगे, -1 का गुणा फिर से भाजक -1 के साथ करेंगे, आपकी बार हमें -1 मिलेगा जैसे हम यहाँ लिखेंगे और वो -1 0 के साथ मिलकर हमें -1 देगा। ये -1 हमारे उत्तर का तीसरा भाग है, इसका उपयोग करेंगे हम आगे बढ़ने के लिए। तो -1 में -1 का गुणा करेंगे, आपको फिर से -1 मिलेगा, उसे यहाँ लिखिए, -1 का 0 के साथ योग करिए तो आपको मिलेगा -1। ये हमारे उत्तर का चौथा हिस्सा होगा और इसकी मदद से आप आगे जाएंगे तो -1 और इस -1 का गुणा करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, इसे आप यहाँ लिखिए और इनका योग करके आप लिखिए तो आपको यहाँ पर मिलेगा -2। अब आपका उत्तर आपके सामने है, केवल यहाँ चर संख्याओं को लिखना होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x = 4 है और भाजक में x = 1 है, जो परिणाम हमको मिलेगा पहला वाला x = 3 के रूप में लिखे मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखना शुरू करें, हर एक के साथ हम x³ से शुरू करके घात के घटते हुए क्रम में लिखे तो हमको मिलेगा -1 x³ 3। -1 को हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, -1 x² 2 तो हम लिखेंगे -1 x² 2। -1 x² 1 तो हम इसे -x लिखेंगे और -1, तो ये हमको मिला भागफल के रूप में और हमको शेषफल मिला -2 के रूप में। आप इसको लिख लें, -2 शेषफल है और x³ - x² - 1 हमारा भागफल है। ये आपका हल है, आपके सवाल का परिणाम है।